हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। जैसा कि दोस्तों मैं चैप्टर वाइज फिजिकल एजुकेशन के हर एक टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए रिवीजन करा रही हूं। जैसा कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। जैसा कि बीपीएससी टीजीटी आपका जल्द ही एग्जाम ले लेगी, समय आपको नहीं मिलेगा, इसलिए डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। और ये केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, ऑल कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन किसी भी स्टेट के लिए है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हों। तो दोस्तों चलते हैं, ये आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी टॉपिक चल रहा है, जिसमें से सेल्स वाला टॉपिक मैंने करा दिया है, और ये है मसल्स से रिलेटेड पाँचवा वीडियो। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो जैसे कि पोषक तत्वों को तीन भागों में कार्य के आधार पर बांटा गया है, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक टूट फूट की यानी शरीर के निर्माण करने वाले, और एक रक्षा करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले में कार्बोहाइड्रेट एंड वसा आ जाता है, और शरीर की रक्षा करने वाले, शरीर को टूट फूट का निर्माण करने वाले होता है प्रोटीन, एंड रोगों से रक्षा करने वाले आपके होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन। तो शरीर के टूट फूट और मांसपेशियों को ठीक करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू रिपेयर द टर्न मसल्स ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, किसकी, प्रोटीन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत कर देती है जहां मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, एक होता है हाइपरट्रॉफी, एक होता है ऑटोट्रॉफी, एक होता है हाइपोकाइनेटिक। जो हाइपरट्रॉफी होता है, नियमित व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, आकार में वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और जब जो यूज न होने से एंड जब मांसपेशी कमजोर छोटी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफी। लेकिन हाइपोकाइनेटिक में क्या होता है कि हाइपोकाइनेटिक इंडिकेट दैट स्टेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वेयर देयर इन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मसल्स एक्टिविटी। तो क्या संकेत करती है, जो हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस अवस्था की ओर संकेत करती है जहाँ मांसपेशी गतिविधियों की मात्रा क्या होती है, अपेक्षा से ज़्यादा हो जाती है। अगर मजबूत है, बढ़ रही है नियमित व्यायाम करने से, तो वो हाइपरट्रॉफी होगा। जब कमजोर है, छोटी हो जाती है, तो उसको ऑटोट्रॉफी कहते हैं। जब अपेक्षा से ज़्यादा आवश्यकता से अधिक बढ़ता है, तो उसे कहते हैं हाइपोकाइनेटिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के प्रकार निश्चित किए जाते हैं। तो दोस्तों मांसपेशियों के प्रकार निश्चित, टाइप ऑफ मसल्स आर डिटरमाइंड। तो मांसपेशियों के प्रकार निश्चित किए जाते हैं बायोप्सी ला द्वारा। तो मांसपेशियों की बायोप्सी द्वारा मांसपेशियों के प्रकार को निश्चित किया जाता है, यानी कि मांसपेशी बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए उत्तकों का एक छोटा नमूना निकलता है। यह परीक्षण आपके डॉक्टर को यह देखने के लिए मदद करता है कि कर सकता है कि आपकी मांसपेशी में संक्रमण या बीमारी है या नहीं, साथ साथ इसके द्वारा मांसपेशियों के प्रकार को भी निश्चित किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों मांसपेशियों के कंट्रक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत कौन है, इज अ सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर मसल्स कंट्रक्शन। तो वो है आपका एटीपी। क्या है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बनता कहाँ है आपका, कोशिकीय श्वसन के द्वारा माइटोकांड्रिया में। जो हम कोई भी तुरंत अनैरोबिक क्रियाएं करते हैं तो उसमें उपयोग होता है। तो मांसपेशी कंट्रक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है एटीपी। जब एटीपी खत्म हो जाता है तो हमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, हमें थकान होता है, फटीग होता है, यानी मांसपेशी संकुचन के लिए एटीपी जो है तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। एटीपी अणु मायोसिन एटीपी द्वारा हाइड्रोलाइज्ड होकर रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन करता है।
नेक्स्ट है ऐंठन निम्न कारणों से होता है, यानी जो क्रैम्प होता है, क्रैम्प क्यूर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो यह होता है किसके कारणों से ऐंठन जो क्रैम्प होता है मांसपेशियों में, तो तरल के अभाव से, किसके अभाव से, लॉक ऑफ ऑफ लिक्विड, तरल के अभाव से, यानी कि मांसपेशी के ऐंठन से पीड़ित व्यक्तियों को मांसपेशियों में दर्द होने लगती है और यह रोग शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, लेकिन यह रोग अधिकतर पैरों में होता है। मांसपेशियों में ऐंठन होने का प्रमुख कारण शरीर में विटामिन बी डी कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम तथा प्राकृतिक तरल लवणों की कमी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पारस्परिक तंत्रिका भरण को कहा जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल न्यूरोफीडबैक इज कॉल्ड। तो पारस्परिक तंत्रिका भरण यानी कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा कि एगोनिस्ट मांसपेशियों का संकुचन और एंटागोनिस्ट मांसपेशी आराम करती हैं, तो उसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल इनर्वेशन यानी पारस्परिक तंत्रिका भरण कहा जाता है। नेक्स्ट है एटीपी मांसपेशियों की संकुचन में उपयोग होती है, तो जो एटीपी होता है वो मांसपेशियों में कैसे उपयोग होती है, एटीपी यूज इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो प्राथमिक स्रोत के रूप में यानी प्राइमरी सोर्स के रूप में प्रयोग होता है एटीपी। जब हम कार्य करते हैं, कोई भारी काम कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी का, उस समय जो हमारे शरीर में एटीपी ऊर्जा बन के पड़ा हुआ है, तो वो एटीपी का यूज होता है मांसपेशियों के संकुचन में, तो प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है मांसपेशी व्यायाम के दौरान सिरात्मक वापसी बढ़ती है, यहाँ वापसी होगा, वासी हो गया है, तो मांसपेशी व्यायाम के दौरान सिरात्मक वापसी बढ़ती है, तो क्या होता है, तो मांसपेशियों का समुद्दीपन तथा श्वसन में बढ़ोतरी होती है जब हम रेगुलर बेसिस पे मसल्स से रिलेटेड व्यायाम करते हैं तब। नेक्स्ट है खेलों में पेशी प्रभावी सहायक निम्न में से किसी को मदद करते हैं, तो पेशी प्रभावी सहायक जो होते हैं एर्गोजेनिक एड्स, वो किस में मदद करते हैं, ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने में, कि एकाग्रता को बढ़ाने में, कि दर्द तो बढ़ाएगा नहीं, तो ए एंड बी दोनों राइट होगा, ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने में और एकाग्रता बढ़ाने में खेलों में पेशी प्रभावी सहायक मदद करती है, यानी किसी भी खिलाड़ी को खेल के द्वारा अपने मांसपेशी पर प्रभावी सहाय के लिए उसे खेल की गतिविधियों के द्वारा अपनी ताकत और मांसपेशी की सहन शक्ति को बढ़ाना तथा उस खेल की गतिविधि को पूरे एकाग्रचित होकर करना अति आवश्यक होता है, जिससे खेलों में प्रभावी सहाय पेशी को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं वह क्या कहलाता है, तो व्हाट इज द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ज्वाइंट्स एंड मसल्स, तो जो जोड़ों और मांसपेशियों में रिसेप्टर्स होते हैं उसे कहा जाता है इंटरोसेप्टर्स, क्या बोला जाता है, इंटरोसेप्टर्स, यानी कि एक इंटरसेप्टर एक संवेदी रिसेप्टर है जो शरीर के भारी भीतरी उत्तेजनाओं का पता लगाता है, उत्तेजनाओं के उदाहरण जिन्हें इंटरसेप्टर द्वारा पता लगाया जाएगा, और उनमें रक्तचाप और ऑक्सीजन स्तर शामिल है, यानी कि संवेदी रिसेप्टर बाहरी उत्तेजना को प्राप्त करता है। नेक्स्ट दोस्तों मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी ऑफ मसल्स कंट्रक्शन वॉज गिवेन बाई, तो स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत दिया था हक्सले ने, यानी कि मांसपेशी स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत 1954 में एच ई हक्सले के द्वारा किया गया था जो अमेरिका के निवासी थे। इनके अनुसार मांसपेशी में क्रिया होती है जिसे वो सिकुड़ती और फैलती है, मोड़ने फैलने चलने कूदने आदि की क्रियाएं इस पर आधारित हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड देन है,
तो लैक्टिक एसिड किसकी देन है दोस्तों? तो एरोबिक में तो लैक्टिक एसिड उतना बनेगा नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ऑक्सीजन के बिना भोज्य पदार्थों का पाचन, जो आपका ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होता है, जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, उसके बाद वो जाता है पाइरुविक टू पाइरुविक अम्ल कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया में, जहां पे माइटोकांड्रिया इसको ऊर्जा बना देता है। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है बिना ऑक्सीजन के, तो उसमें लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP का निर्माण होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आदि का निर्माण होता है। तो अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। लैक्टिक एसिड क्या होगा? अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऊर्जा छोड़ने की प्रक्रिया का उप उत्पाद लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना थकान का कारण होता है। लैक्टिक एसिड इकट्ठा होकर थकान पैदा करता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाने से रक्त अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। एंजाइम के ठीक से न काम करने से थकान पैदा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सार्कोमियर क्षेत्र स्थित है। सार्कोमियर रीजन इन इज लोकेटेड, तो सार्कोमियर क्षेत्र स्थित है दो जेड लाइन के बीच, दो जेड लाइन के बीच, ठीक है। ऐसे मसल्स जो है मायोसिन, मसल्स किससे बना है? एक्टिनोमायोसिन से बनकर मिलकर, ठीक है, एक्टिनोमायोसिन से। ये आपका जेड लाइन है, ठीक। ये क्या है? जेड लाइन। इसके बीच में सार्कोमियर, इसके दो बीच वाले भाग को कहते हैं सार्कोमियर, ठीक है। तो सार्कोमियर कहाँ पे स्थित होता है? दो दो जेड लाइन के बीच। नेक्स्ट दोस्तों, मांसपेशी क्रिया पूर्णतया निर्भर है। तो मांसपेशी की जो क्रियाएं हैं पूर्णतया किस पे निर्भर होती हैं? तो मांसपेशी क्रियाएं पूर्णतया निर्भर होती हैं तंत्रिका एवं रक्त संभरण पर। किस पे निर्भर करती हैं? तंत्रिका एवं रक्त संभरण पर। यानी कि दोस्तों, पेशी प्राणियों का आकुंचित होने वाला ऊतक है। यानी कि जो मांसपेशी क्रिया होती है वो हमारे तंत्रिका, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रक्त संभरण, यानी कि तंत्रिका और रक्त संभरण पर आधारित होती है, ऑन नर्व एंड ब्लड सप्लाई पर। तो जो हमारा पेशी है वो प्राणियों का आकुंचित होने वाला ऊतक है। इनमें आकुंचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका का आकार बदल देते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है, जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। इस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं विशेष प्रकार की आकृति और रचना वाली होती हैं। इनमें संकुचन करने की क्षमता होती है। पेशियां रेखित, अरेखित एवं हृदय तीन प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में 40% भाग, 45% भाग जो होता है वो पेशियों का होता है, जिसमें से 40% केवल कंकाल पेशियों का होता है। दोस्तों, शरीर में सर्वाधिक जो पेशियां होती हैं पीठ में पाई जाती हैं। पीठ में जो है 180 पेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रेसिप्रोकल इनर्वेशन क्या है? अभी जस्ट पिछले प्रश्नों में आपने पढ़ा है कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन तो जब क्या है। फ्लेक्शन कर रहे हैं तो मुख्य भूमिका बाइसेप्स मसल अदा कर रहा है, तो एगोनिस्ट हुआ, और उसकी विपरीत भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स मसल, तो वो एंटागोनिस्ट हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जब एंटागोनिस्ट मांसपेशी का विस्तार हो तथा एगोनिस्ट मांसपेशी क्या हो? स्थिर हो, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। एंड नेक्स्ट है, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को स्वामित्व अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वामित्व अभिग्राहक कहा जाता है। स्वामित्व अभिग्राहक या
स्वामी ज्ञानेंद्रिय यानी कि प्रोप्रायोसेप्टर्स पेशियों संधियों कंडराओं स्नायुओं आदि में स्थित संवेदी तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र व नग्न छोर होते हैं और ऐच्छिक गतियों तनाव खिंचाव संतुलन दबाव आदि के कारण उत्पन्न अंतः उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी टेस्ट इस संभावना पर आधारित होता है कि दो प्रतिदर्शों के मध्य है, तो जो टी टेस्ट है वो दो प्रतिदर्शों के मध्य समान भेद को बताता है, दोनों प्रतिदर्शों के मध्य समान भेद को बताता है। इस परीक्षा को वर्ष 1908 में विलियम सीएली गोसेट ने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे एंड मसल्स वाला पार्ट आपका खत्म होता है। आई होप कि सभी वीडियो पांचों वीडियो आप देखे होंगे एंड अब अगला चैप्टर होगा, अगला टॉपिक होगा स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि इस समय स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए अच्छे से रट लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।